हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, घर पे सेफ होंगे। सो मैं सीए आयुष आहूजा आपके बीच आपका लॉ का फैकल्टी आपके लिए अमेजिंग रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गुड़गांव ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI का, जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि लॉकडाउन में भी बच्चों का कोई नुकसान ना हो और वो अच्छे से रिवाइज कर पाए, अपनी स्टडीज को अच्छे से कर पाए और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो उसी कड़ी में मैं आपके सामने आज से अब स्टार्ट करने वाले हैं लोग, कंपनी लोग हैं, और आज सबसे पहले हम उठाने वाले हैं एक बेसिक सा लेक्चर, ठीक है, बेसिक सा टॉपिक जिससे आपको पढ़ने के लिए एक अपने आप में अच्छा लगे, ठीक है। तो मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है, आई होप आप मुझे पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक के साथ, ज्यादा ना टाइम लेते हुए आपका, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ, इसमें सेक्शन ऑफ सीरीज पढ़ेंगे हम 123 से 127 तक, ठीक है, बहुत बेसिक, एग्जाम में 4-5 मार्क्स देता है आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और कोई डाउट आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं एक बार क्या कौन कौन से सेक्शन और उनके नाम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिएगा सेक्शन 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ठीक है। सेक्शन 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे करेंगे, ठीक है। 125, IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 126, राइट टू डिविडेंड, किस किस को कौन कौन सा राइट मिलेगा डिविडेंड का, आइए देखेंगे। 127 में हम पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसके लिए आपकी क्या पनिशमेंट होगी। एंड इसके साथ एक रूल पड़ेंगे, रूल 3, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 का, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की, डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है when a company earns, कंपनी कमाती है कुछ प्रॉफिट, ऑब्वियसली earns and distributes the profit, distributes the profit earned by it to its shareholders, अपने shareholders को जो कमाए हुए profit का हिस्सा देती है ना, उसे बोलते हैं dividend, हाँ। It is said that it has paid the dividend, उसने dividend pay कर दिया है, आई बात समझ में, चलेगा। कह रहा है dividend is the payment made by company to its shareholders out of its distributable profits, sir, it distributable profits होता है, टोटल प्रॉफिट्स में, तो अभी आपने बताया नहीं, टोटल प्रॉफिट्स में से एक पार्ट अलग किया जाता है फॉर रिटेन अर्निंग, अगर कंपनी चाहे तो, जरूरी नहीं है वो रिटेन करे, बट चाहे तो वो रिटेन भी कर सकती है, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चले आगे, चलेगा सर। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड, अब डिविडेंड कैलकुलेट तो करेंगे ना, किस बेसिस पे हम किसको कितना डिविडेंड देंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, हाँ, अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू का एक परसेंटेज हर शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, आई बात समझ में, चलिएगा। डिविडेंड वॉरेंट, हाँ, डिविडेंड वॉरेंट क्या है, डिविडेंड वॉरेंट इज द चेक ऑफ डिविडेंड इश्यूड बाय बैंकर इन द नेम ऑफ मेंबर, हाँ, एक वॉरेंट, जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं तो चेक देते हैं उसके नाम से, वैसे ही डिविडेंड पे करने के लिए हर मेंबर के नाम पे एक डिविडेंड वॉरेंट इश्यू कर किया जाता है, जिसे वो अपना एनकैश करा लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में, आई बात समझ में, आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा इसमें, पक्की बात है, चलें आगे, पक्का, चलिए फिर आगे चल रहे हैं।
सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 1 जो कहता है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड की, आप कहां कहां से डिविडेंड का पैसा पे ऑफ कर सकते हैं आएगा या डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिएगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट और प्रीवियस ईयर, आप इस साल के प्रॉफिट से भी और पिछले साल के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके आप मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, अगर आपको सीजी और एसजी ने पैसा दिया है डिविडेंड के लिए तो आप उसमें से दे सकते हैं, या फिर आउट ऑफ रिजर्व आप रिजर्व में से भी पैसा दे सकते हैं, आपने पिछले कुछ प्रॉफिट कमा के अपने रिजर्व में रखे हुए हैं आप उसमें से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है तो डिड यू चेक योर सोर्सेज, आप अपना अपना चेक कर लीजिएगा सोर्सेज। ओके डन, कैलकुलेशन देखते हैं नेट प्रॉफिट की। देखिएगा कह रहा है सबसे पहले हमारे पास होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसे हम बोलते हैं PBIDT। ठीक है उसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, तो हमारे पास बचता है PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है तो जो ये प्रॉफिट बचा, ठीक है इसमें से हम प्रीवियस ईयर के लॉस और डेप्रिसिएशन जो इनमें से कम है वो लेस कर देंगे। ठीक है तो जो हाँ कर दिया, उसके बाद हमारे पास अगर हमें कोई भी पैसा ट्रांसफर करना है रिजर्व में तो BR पास करके कर दीजिए, BR पास करके कर दीजिए इन बोर्ड मीटिंग, तो जो इस सब के बाद हमारे पास पैसा बचता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज डिविडेंड। ठीक है चलिएगा उसके बाद CGST की बात करें, कंपनी डायरेक्टली पे डिविडेंड बाय पासिंग OR, ठीक है इन GM फॉर द सेम, आपको पैसा मिला है आप OR पास करके GM में आप पे करवा दीजिए, डिक्लेयर करवा दीजिए डिविडेंड को। ठीक है उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि CG और SG ने आपको पैसा दिया तो फिर वैसे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है तो नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला जो अब हम पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ रिजर्व्स की बात करेंगे जो, ठीक है आउट ऑफ रिजर्व में से, ठीक है कह रहा है आपका जो रेट होगा ना जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं उसका मैक्सिमम रेट जो हो सकता है ना वो हो सकता है या तो इक्वल टू या लोअर देन उसे लास्ट 3 ईयर्स का जो आपने एवरेज रेट दिया हुआ है। ठीक है डू नॉट काउंट ईयर इन विच डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया उसको नहीं करेंगे, लास्ट 3 डिक्लेयर्ड ईयर डिविडेंड्स को उठाएंगे, रेट को उठाएंगे। समझ आई बात? चलिएगा तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक बार आप देख लीजिए, इसको मैं अच्छे से डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं आगे, तो मुझे लगता नहीं है मैं इसको अभी यहां पे आपको टाइम दूं, मैं आगे इसको अच्छे से समझाता हूं आपको, ये एक ओवरव्यू था जो आपको देना था मुझे। ठीक है चलिएगा तो अब ट्रांसफर टू रिजर्व की बात की हमने, तो क्या कह रहा है आप ट्रांसफर कितना करेंगे कब करेंगे कैसा करेंगे, कंपलसरी है मैंडेटरी है या नहीं अपनी इच्छा पे कर रहे हैं, क्या कहता है आइए देख लेते हैं। कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड ठीक है इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसको डिक्लेयर करना है एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू रिजर्व ऑफ कंपनी, जो उसको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है, यानी कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, अगर उनको जितना अमाउंट लगता है जितना परसेंटेज लगता है कि अप्रोप्रिएट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आई बात? ओके सर कह रहे ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी एंड द परसेंटेज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इज डिसाइडेड एट डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, जिसे हम कह सकते हैं बोर्ड। ठीक है यानी कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है, हम जितना चाहे उतना पैसा रिजर्व में उठा के डाल सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे इंसान डाल रहा है नीचे आपको दिख रहा होगा। चले आगे, चलिए सर आप चल रहे हैं। कह रहा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो हमने अभी छोड़ा था उसी का डिस्कशन करेंगे। कह रहा वेयर कंपनी ओइंग टू इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, हाँ कंप्लीट उतना प्रॉफिट नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं है इन एनी फाइनेंशियल ईयर पोजेसेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और सोच रही है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए एक्यूमुलेशन से एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है अर्नड बाय इट इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले सालों में उन्होंने कमाया था, ट्रांसफर्ड बाई कंपनी टू रिजर्व, जो उन्होंने रिजर्व में ट्रांसफर किया था। सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। सर ये रूल 3 कौन सा आ गया? मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था ना हम एक रूल 3 पढ़ेंगे, वो है उसके बारे में देख लेंगे। आई बात समझ में इतनी? चलिए सर कह रहा है अबोव प्रोविजो शैल नॉट एप्लीकेबल, दिस इज द प्रोविजो। ठीक है चलो कह रहा है ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी पे। In such entire paid-up share capital is held by central government or any of state government
और गवर्नमेंट और बाय सीजी एंड वन और मोर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं होगा एप्लीकेबल। आई बात समझ में? बट इस पे भी एक ओवरव्यू है सबका, देख लेते हैं वो क्या है। अभी सुन लीजिए, कह रहा है इट इंप्लाइज दैट इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट इन करंट ईयर गवर्नमेंट कंपनी कैन डिक्लेयर आउट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स विदाउट फॉलोइंग रूल थ्री। मतलब ये निकलता है कि वो बिना रूल थ्री को फॉलो किए भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। बट आईसीआई का कुछ और मानना है। आईसीआई का मानना है कि गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्युमुलेटेड रिजर्व, विच मोस्ट ऑफ द ऑथर्स एग्री नहीं करते, और जहां तक है मैं भी एग्री नहीं करता, बट हम आईसीआई की बात माननी पड़ेगी क्योंकि मार्क्स तो हमें उसे नहीं देने हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि फिर गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड आउट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। चलिए, कह रहे आप कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन, हाँ, हम रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। तो हमने अभी पहली बात की थी कि रेट लास्ट थ्री डिक्लेयर डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उतना हो सकता है, यानी एवरेज उसका हो सकता है, उसके एवरेज के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ रेट्स ऑफ व्हिच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन थ्री इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर, ठीक है। और उस रेट को हम पीएसई यानी पेड अप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमें पता चल जाएगा कि कितना डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। स्टेप टू, लेट्स से यहां पे एग्जांपल की तरह ले लें, इस हिसाब से हमारे पास आ रहा है 2 लाख का डिविडेंड, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। चलिएगा, स्टेप टू कह रहा है अब आप टोटल अमाउंट ड्रॉ, जो आप ड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे कहां से, हाँ कहां से, ऑब्वियसली एक्युमुलेटेड रिजर्व से, रिजर्व से, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। अज्यूम कर लेते हैं पेड अप शेयर कैपिटल हमारी है 2 करोड़, 20 लाख से लेते हैं, चलिए 2 करोड़, और फ्री रिजर्व्स है हमारे पास 5 लाख के, ठीक है। और यहां पे अज्यूम कर लीजिए एवरेज रेट आ रहा है 10% फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा 2 लाख बच गया, ठीक है। तो अब यहां पे कह रहा है आप जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे फ्री रिजर्व से, वो कित मतलब कित फ्री रिजर्व से करेंगे तो वो कितना नहीं होना चाहिए, 1/10, हाँ 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस FR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका कितना होता है, ठीक है। चलें आगे, बी कह रहा है जो बैलेंस बचना चाहिए इस अमाउंट को विड्रॉ करने के बाद, जो बैलेंस बचना चाहिए वो फ्री रिजर्व का ऑलरेडी जो है उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का, यानी 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 जो इसमें बैलेंस बचेगा वो इसके 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका 15% कितना निकाल लेते हैं, आइए पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 15% कितना होता है, 20 लाख, हाँ 20 लाख, इंटू 15% जो कि होता है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख ऑलरेडी हमारे पास है, कितना 5 लाख, ठीक है। तो 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे हम मैक्सिमम निकाल कितना, यहां पे हमें पता चल रहा है हम विड्रॉ कितना कर रहे हैं 2.5 लाख, तो मतलब 2.5 लाख विड्रॉ करेंगे 5 लाख में से, तो 2.5 लाख बचेगा। और जो कि ये कह रहा है कि 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, ठीक है। इतना बात समझ में आया, चलो फिर आगे, ठीक है। विच एवरेज लोअर, इतना समझ आ गया, चलिए स्टेप थ्री देख रहे हैं। अब जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता चल गया 2 लाख, उसमें से आप करंट ईयर लॉस प्लस प्रीवियस ईयर लॉस को लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप फोर में जो स्टेप टू आया था उसमें से आपने स्टेप थ्री लेस कर दिया, ठीक है। तो जो लेट से यहां पे हमारे पास 50 लाख था एक्युमुलेटेड लॉस, ठीक है, तो हमारे पास बचा यहां पे 1,50,000, 2 लाख में से 50,000 लेस कर दिया। तो फिफ्थ स्टेप कह रहा है अमाउंट विच कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड इज इक्वल टू स्टेप वन, ठीक है, एंड स्टेप फोर, ठीक है। अब उन दोनों में से जो आपको पता चला, ठीक है, लोअर ऑफ, ठीक है। अब यहां से जहां से आया है अब हम मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे आप स्टेप टू भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से भी लोअर निकाल लीजिए। ठीक है, चले आगे। तो आपको समझ आ गया होगा कितना अमाउंट आप डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व से पे कर सकते हैं डिविडेंड। चले आगे, चलिए सर। कैन ए कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व? अभी तो पढ़ के फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व ओनली, ठीक है, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं। अदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व से नहीं दे सकते, ठीक है। आप फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, अदर रिजर्व यानी कैपिटल रिजर्व से आप नहीं दे सकते, ठीक है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। नो अदर रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट्स व्हिच हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सच यूटिलाइजेशन वुड नॉट अमाउंट टू विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम रिजर्व। तो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, आप पिछला आपका क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें से आप कितना भी दे सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने रिजर्व में से निकाला है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड वो था फाइनल डिविडेंड। अब सुनिए इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मे डिक्लेयर इंटरिम, देखो इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट और आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। मतलब लेट्स से किसी भी साल के बीच में, यानी डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं एजीएम में, बट साल के बीच में हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो होगा डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड। तो उतने यानी हमें थर्ड क्वार्टर में करना है तो सेकेंड क्वार्टर तक के प्रॉफिट से भी हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि क्या सही चल रही है हमारी कंपनी, बीच में भी डिविडेंड दे देते हैं, हाँ हमारे बच्चे हमारे शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे। चलिए, इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ दैट क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट ए रेट हायर देन एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर लॉस आया है तो एवरेज निकाल लेंगे, अगर प्रॉफिट्स हैं तो फिर हम कितना भी दे सकते हैं जितना हमें लगता है। आई बात समझ में? हम जी सर, आ तो रही है, अच्छे से आ रही है। चलिए तो क्या कह रहा है, जो बोर्ड है सबसे पहले रिकमेंड करेगा डिविडेंड कहां से, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसडी जो हमने पढ़ा, ठीक है, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड फाइनलाइज बाय मेंबर, और मेंबर्स उसको फाइनलाइज कर देंगे इन एजीएम। सिंपल सी बात है, समअप यही था अभी तक का जितना हमने पढ़ा, ठीक है। चले आगे, चलिए और एजीएम में ओआर पास करके कर देते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है डिपॉजिटिंग ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 की बात कर रहा है। डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन ए स्केड्यूल बैंक इन सेपरेट अकाउंट within 5 days from the date of declaration of such dividend, जिस दिन हमने declare कर दिया dividend, चाहे वो final है चाहे वो interim है, हमें अगले 5 दिन के अंदर एक separate bank account जो कि schedule bank में होगा वो amount उसमें जमा करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में सर? आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर payment की बात कर रहा है, पेमेंट हम कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, डिविडेंड वॉरेंट से कर सकते हैं, ई मोड से कर सकते हैं, ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को करेंगे और हिज ऑर्डर और बैंकर, ठीक है, और उसने किसी और को ऑर्डर दिया भाई कि भाई मेरे एलआर को दे दो यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो या जो बैंकर कह रहा है वैसे कर लेंगे। नो प्रोहिबिशन ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व ऑफ द कंपनी, कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि वो कैपिटलाइज कर ले प्रॉफिट्स को और रिजर्व में डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर्पस कैपिटलाइज क्यों किया जा सकता है, फॉर इशूइंग पेड अप बोनस शेयर्स, हाँ हम कल को डिविडेंड ना दे के बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, और पेइंग एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन एनी शेयर, कुछ पैसा अनपेड है तो उसके लिए सेटअप कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में इतना, ठीक है। हम कैश से दे सकते हैं, हम लोग चेक से दे सकते हैं, हम ई मोड से दे सकते हैं, हम डिविडेंड वॉरेंट इशू कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ तो रही है। तो चलिए फिर अब सब सेक्शन 6 पढ़ते हैं। Company which fails to comply with section 73 and 74, हाँ सर ये कहाँ है, ये हम पढ़ेंगे deposits में, ठीक है। चलिए, ठीक है, not so long as such failures continues declare any dividend, जो company ने default किया है section 73 और 74 का, जब तक वो failure continue है तब तक वो company dividend declare नहीं कर सकती। सर समझ आ गया? ओके फिर चले आगे। तो सेक्शन 123 यहीं पे खत्म होता है।
अब बात करेंगे सेक्शन 124 की, जो कि है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर इसको अच्छे से समझाइएगा। हाँ जी बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे और आप अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट बीन पेड। हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है पर पे नहीं किया, और क्लेम्ड या फिर हमने पे कर दिया है पर कुछ ऐसे शेयर होल्डर जो उन्होंने जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया है विद इन 30 डेज। हाँ, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उससे 30 डेज के अंदर, देन Within 7 days transfer to UDA. UDA is unpaid dividend account. ठीक है, 30 days खत्म होने के अगले 7 दिन में हम UDA में transfer कर देंगे, ठीक है। चलें आगे, चलिए। Within 90 days of making transfer to UDA, जिस दिन UDA में transfer हुआ उसके अगले 90 दिन में कंपनी शेल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ द नेम्स। कंपनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी नामों की, जिस जिसने क्लेम नहीं किया है, नेम, नोन एड्रेस, लास्ट नोन एड्रेस एंड अमाउंट ऑफ ईच पर्सन एंड प्लेस, और वो वेबसाइट पे डाल देगी। देख लीजिए ये बंदे हैं, इनका ये एड्रेस है, इन्होंने क्या डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं किया है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। डिफॉल्ट मेड इन ट्रांसफर। हाँ, अगर कंपनी ने यूडीए में ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, 7 दिन में 30 दिन के लैप्स होने के बाद, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से। ओके सर। मनी ट्रांसफर टू यूडीए विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। 7 साल तक वो पैसा डिविडेंड का यूडीए में पड़ा रहा और किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो वो IEPF में चला जाएगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। आई बात समझ में? समझी सर, आ गई। शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड नॉट पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive years और मोर शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू IEPF कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मान लीजिए जिनके अगेंस्ट लगातार 7 सालों में डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ है जिन शेयर के अगेंस्ट, हाँ, और उससे ज्यादा के लिए भी, तो हम IEPF में वो शेयर्स भी ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर। कह रहा है, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर, मान लीजिए 7 सालों में से 1 साल भी ले लिया है, हाँ, ड्यूरिंग सेट पीरियड ऑफ 7 consecutive years, देन शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। मान लीजिए 7 लगातार सालों में नहीं क्लेम किया जाना चाहिए, तभी IEPF में शेयर्स ट्रांसफर होंगे। आई बात समझ में? चलिए, अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है 124 का, तो कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी और ऑफिसर्स के ऊपर 1 lakh to 5 lakh तक की पेनल्टी। समझ आई? ठीक है, डिविडेंड्स वेटिंग टू बी क्लेम्ड। आई बात समझ में? सेक्शन 124 क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, हो तो गया। चलिए तो एक टाइमलाइन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जिस दिन डिक्लेयर हुआ डिविडेंड, हा, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, उसको हटा रहे हैं अभी, ठीक है। अमाउंट कर देंगे सेपरेट बैंक में डिपॉजिट, कितने दिनों में, आपको पता है ये बात, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर। ओके जी, फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगा, ठीक है। कंपनी लाइबल होगी क्या 18% के इंटरेस्ट के लिए, इन केस उसने फेलियर किया डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिक्लेयर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो कंपनी 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट के लिए लाइबल होगी। ओके सर, ठीक है। अब जिस दिन आपने डिक्लेयर करा उसके 5 दिन में आपने ट्रांसफर किया, ठीक है, उसके 7 दिन में आपको, मतलब उस दिन आपको ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के अंदर, हाँ, पेमेंट जिस दिन करी उससे के बाद वो अनक्लेम रहा है, हाँ, अनक्लेम रहा है, सबको आपने डिक्लेयर कर दिया, पेमेंट कर दिया, कुछ अनक्लेम्ड है, तो उसके 7 दिन के अंदर, ठीक है। और पहले देखो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये 30 डेज का आपने अभी पढ़ा 124 में, ठीक है, 124 में वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए 30 डेज में, ठीक है। अगर आपने उसके बाद वो अनक्लेम रहा है तो 7 दिन के अंदर आप यूडीए में डाल देंगे, ठीक है, यूडीए में डाला, ठीक है। अगर उसमें डिफॉल्ट किया तो 12% का इंटरेस्ट आपको देना है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। अगर वो क्लेम नहीं होता है, हा? तो आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है 90 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं होता है तो 7 साल तक अनक्लेम रहता है, तो कहां चला जाएगा, IEPF में। आई बात समझ में? पक्का? एक छोटी सी टाइम लाइन थी आपके लिए। चले आगे, चले फिर आगे। चलिए ये देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने परचेज किए 500 शेयर्स ऑफ TCS, ओके,
और डिक्लेयर किया डिविडेंड कंपनी ने जून 2019 में उस शेयर्स के सबके लिए, ठीक है। मैंने क्लेम नहीं किए 7 साल तक का लिए डिविडेंड, ठीक है, 2019 से 2026 तक, ठीक है। अब सुनिए, 7 कंसेक्यूटिव ईयर होने चाहिए, यहाँ पे मैंने डिविडेंड नहीं क्लेम किया, ठीक है, देन शेयर विल बी ट्रांसफर टू IEPF, ठीक है, समझ आई बात। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात, चलिए सेक्शन 125 की बात करेंगे अब, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। अब इसको बनाता कौन है, ये सीजी एस्टेब्लिश करती है इस फंड को, ठीक है। अब इसमें सर पैसा कहां से आएगा, ठीक है, अमाउंट इन यूडीए, यूडीए से आता है आपको पता चला था अभी, ठीक है। अमाउंट इन आईईपीएफ अंडर कंपनीज एक्ट 1956, पिछले कंपनीज एक्ट में किसी के कंपनी के आईईपीएफ फंड में पड़ा हुआ है तो वहां से, ठीक है। अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सीजी, सीजी वहां से आ रहा है, ठीक है। फॉलोइंग अमाउंट रिमेन अनपेड फॉर 7 ईयर्स, मैच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, ऑल सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, हाँ सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, कुछ शेयर्स पर बेचे हैं तो उसके अगेंस्ट का हम आईपीएफ में डाल सकते हैं। कह रहे हैं इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फंड, इन पैसों से हमने इन्वेस्टमेंट की उससे इनकम जनरेट हुई हमें, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अनपेड डिविडेंड, अक्रूअल इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, चलिएगा। डोनेशन, डोनेशंस आ गई हमारे लिए फंड के लिए, ग्रांट्स आ गई, ठीक है, तो ये सारे इसके क्रेडिट्स होंगे। सर पैसे आएंगे तो यूज भी करना पड़ता है क्या, या पैसे रख के लेके एंजॉय कर सकते हैं जी, यूज करना है वो कहाँ का करना है सर, यहाँ यहाँ करना है, देखते हैं। अनपेड डिविडेंड के लिए, मैच्योर डिपॉजिट के लिए, मैच्योर डिबेंचर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, अब देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द अबोव, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी बाकी है तो भी वो देख रहे हो 18% 12% वाला। इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला सकते हैं हम इससे, ठीक है। अब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है तो उसके लिए प्रोग्राम होते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्गॉर्ज अमाउंट, डिस्गॉर्ज भी बोलते हैं, डिस्गॉर्ज भी बोलते हैं अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल पर्सन, सर ये क्या होता है अभी देखेंगे इसको आगे, ठीक है। कुछ लीगल एक्सपेंसिस के लिए और कुछ अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है, चलिए। कैन एनी पर्सन मे फाइल एन एप्लीकेशन टू क्लेम एनी अमाउंट ट्रांसफर टू फंड फ्रॉम अथॉरिटी, ठीक है। सीजी कंस्टिट्यूट एक अथॉरिटी करेगी जिसमें एक चेयरमैन होगा, 7 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और एक सीईओ, यानी मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं इसमें टोटल मिला के, ठीक। सीजी हैव द पावर टू प्रोवाइड ऑफिसेज, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज, अथॉरिटी के लिए जो भी करेगी सीजी करेगी। सीएजी विल कंडक्ट द ऑडिट ऑफ दैट अथॉरिटी एंड ऑल्सो विल डिसाइड द टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्ड बाय द अथॉरिटी टू सीजी एनुअली एज और एज ऑन डिमांड, डिमांड करेगी तब भी, या एनुअली तो करनी करनी है। सीजी ले एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट बाय सीजी बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, यूटिलाइजेशन हो गया ये बात, ठीक है, चलें आगे। हाँ जी चलिए, सेक्शन 126 डिविडेंड एक्सेट्रा टू बी हेल्ड इन अबेयंस, अबेयंस में रहना, सुनिएगा क्या होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू हुम, अब किसको करें, ठीक है, अब सुनिएगा। लेट्स से ट्रांसफर डीड डिलीवर्ड टू द कंपनी, ठीक है, क्या ट्रांसफर ऑफ शेयर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, डिक्लेयर डिविडेंड। लेट से एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ए ने बी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक, कंपनी को डीड तो भेज दी है ट्रांसफर डीड, बट कंपनी ने रजिस्टर नहीं किए हैं न्यू नेम पे और डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू यूडीए और शैल बी पेड टू ट्रांसफर इफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज ऑथराइज द कंपनी टू डू सो, ठीक है। अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के लिए ऑथराइज कर दिया है कि कंपनी आप दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको दे देंगे, नहीं तो यूडीए में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसफर के केस में, अब डिविडेंड के केस में, अब अगर बोनस शेयर और राइट शेयर इशू किए हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको अबेयंस में रख देंगे, रोक देंगे जब तक किसी के नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते तब तक वो, ठीक है, देख रहे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, रो रही है वो मैडम ब्रेकअप के बाद, चले आगे, चले पक्का। एग्जाम्पल देखो यहां से आपको समझ आएगा, वही टीसीएस के 500 शेयर थे जो मैंने परचेज किए थे, ठीक है, मैंने वो बेच दिए मिस्टर बी को, हाँ पर वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, ठीक है, उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, समझ आया, तो रजिस्टर्ड होल्डर अभी मैं हूं, तो डिविडेंड या तो अनपेड अकाउंट में जाएगा या फिर बी को जाएगा अगर मैंने ऑथराइज कर दिया तो, बट बोनस शेयर और राइट शेयर को हम कुछ भी नहीं करेंगे, अबेयंस में रख देंगे अंटिल रजिस्ट्रेशन, ठीक, आई बात समझ में इतनी सी, हाँ जी सर आई, चलें फिर आगे, चलिए।
एक छोटा सा डिफरेंट फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में, आप प्लीज इसको अच्छे से देखेंगे आपको आता है और आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ पूछना हो तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, चलते हैं फिर सेक्शन 127, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। इफ डिक्लेयर बट नॉट पेड इन 30 डेज, आपको पता है कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18% का, डायरेक्टर 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं और 1,000 रुपए पर डे की उनके ऊपर फाइन लग सकती है, देखो पनिशमेंट, ठीक है। नो ऑफेंस इन केस फॉलोइंग केसेस, क्या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से आपने कर पाया, डायरेक्शन बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी, कंपनी ने को डायरेक्शन दिए शेयर होल्डर ने, अभी मुझे, मैं आपका क्लेम नहीं कर रहा, मैं अभी बाहर हूँ या जो भी हूँ, मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता, या डिविडेंड के आगे लिए अभी डिस्प्यूट चल रहा है किसको जाना चाहिए, हाँ जिसको जो ऑथराइज पर्सन था वो चला गया, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिस्प्यूट चल रहे हैं, हाँ, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स, हाँ कुछ ड्यूज बाकी थे शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट हमने एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। कुछ अदर जस्टिफाइड रीजन हो तो भी आप ना दे तो भी आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चले फिर आगे क्या चले सर, खत्म हो गया। तो एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, डोंट गिव अप, हाँ गिव अप कभी मत कीजिएगा, आपको लगेगा एक पढ़ते क्यों इतना ज्यादा पढ़ रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, गिव अप आप नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपके साथ अगले लेक्चर में, गुड बाय, सी यू वंस अगेन, बी सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।